राम राम भाई किसान भाइयों। आ देखो सुंडी, गुलाबी सुंडी को फुल अटैक है। और अभी टिंडे के अंदर टिंडो तोड़ो। आ देखो भाइयों फुल लंबी सुंडी गुलाबी ओ प्रकोप हो रहा है। चबड़ा मोरी के अंदर राम कुमार खिचड़ का खेत के अंदर बहुत जबरदस्त लट को प्रकोप है जी। इनको के अभी कई ग्रुप में डॉक्टर साहब भी है थे, इनकी कोई बताओ के इलाज हो सका इनको। अरे तो मोटो सरसों को आगत नरमो है। अरे जमींदार ढूंढने ला रहे सुंडी, बहुत ज्यादा लट को प्रकोप है जबरदस्त भयंकर सुंडी आई है भाई। हर फूल के अंदर हर बुंटा के अंदर एक दो लट है। गुलाबी सुंडी को पूरा टेक साल ला रहे जी। ये जमींदार ला रहे जी, जमींदारों के लिए एक चिंता का विषय बन गयो जी बहुत ज्यादा जी। ये देवीलाल देडू जी है, इतने एक सुभाष है, अंकुश है जी, भल्लू जानी है जी, राजू खिचड़ है। मौका ही वारदात पर आया है सारा, कोई देख रहा हूँ कई तो माननी को नान लग रही भाई सुंडी को तो ठीक है के। अभी किसान बहुत ज्यादा चिंतित दे रहे हैं भाई ये फसल के बारे में, अभी के सिस्टम हो सके कुकर अभी। और बाकी देवीलाल हूँ देडू साहब हूँ बात करा भाई, आगे के राय है भाई के करना चाहिए जमींदार ने मान लियो। देडू साहब बताओ भाई अभी नरमो बारे में किसान तो बिल्कुल चिंतित दे रहे हैं। अरे देखो जी लट है आज तो टिंडो भी कौन मिले भी पहली आ गया गुलाबी सुंडी जिन्हें मन बताओ किसान के करी। हाँ जमींदार तो लारली साली मारे गया, अभी आगे के करना चाहिए जमींदार ने के हिदायत देना चाहो देडू साहब दे। सरकारों कोई के सरकारी प्रति कोई मुआवजो और सिस्टम कोई आएंगे सुंडी रोके कोई भी सुंडी रोकने खातर कोई विशेष प्रबंध भाई तो क्या साइपर सप्रे मार दियो साइपर फूल जो आप तो रोज निकला है साइपर तो फिर ढोल की चक्की लागनी पड़ी। हाँ बोल।